Hey guys, welcome back to my channel, and thank you very much for giving so much love to all my previous videos. Kaise hain aap sab? So today video is all about unboxing of beauty products which I bought from purple.com. Before that, if you are new to my channel, please do subscribe to my channel and please press the bell icon right next to it. तो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा पहला ऑर्डर है purple.com से, एंड ये रहा वो पैकेट. छोटू सा पैकेट आया है तो मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं शायद 6-7 सामान ऑर्डर करी थी इतना छोटू सा बॉक्स में. बट देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी तक इसको मैं अनबॉक्स नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करना था, इसीलिए मैं इसको अनबॉक्स नहीं करी हूँ. तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं. पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है. तो ये रहा वो बिल. लाइट का थोड़ा इशू हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, आई विल रीड फॉर यू, डोंट वरी. ओके, सो पहला जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बबल रैप होके आया है. उसको बोलते हैं, इसमें तीन चीज है. ये है, एक मिनट, क्या है? ओके, ये है NYWay का आईलाइनर, और ब्लू कलर में है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक एंड ग्रीन का था तो मुझे एक ब्लू कलर चाहिए था, इसलिए मैं ब्लू ऑर्डर करी हूँ. इसका एप्लीकेटर वगैरह थोड़ा देखते हैं. वाह, बहुत सही है गाइस, इसका एप्लीकेटर बहुत ही ज़्यादा सही है. आप पतला से पतला लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड कलर मुझे जैसे ही चाहिए था पूरा वैसा ही है. देख सकते हैं कितना अच्छे से लाइन ड्रॉ हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ है. एंड ये स्पेशली बिगनर के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका जो कैप है बहुत बड़ा है, तो आप आराम से इसको पकड़ के यूज कर सकते हैं. छोटा वाला कैप में थोड़ा खुद को कंफर्टेबल नहीं लगता है. जो लोग मतलब प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए तो कोई बात नहीं, बट हम फ्रेशर जो लोग बिगनर है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है छोटा कैप में. लेकिन ये बड़ा सा कैप है तो आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. एंड इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है, एक मिनट. ओके, NYWay लिक्विड आई लाइनर, ये मुझे पड़ा है 127, एंड इसका प्राइस है, कहाँ गया, प्राइस नहीं लिख रहा है यार यहाँ पे. इसका प्राइस शायद 135 ऐसा कुछ था. गाइस, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. शायद इसका प्राइस 135 था, क्योंकि मैं जब ख़रीदी थी तब देखी थी, पता नहीं मुझे अभी दिख नहीं रहा, बट मुझे ये 127 पड़ा. शायद पॉपल में कुछ ऑफर अभी चल रहा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, शायद आपको इससे भी कम में मिल जाए. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है, ये क्या है, सुपर पिगमेंटेड शायद लिपस्टिक है. इसको ओपन कर लेते हैं. यस गाइस, ये एक बहुत ही अच्छा सा NYWay का न्यूड कलर लिपस्टिक है, क्योंकि मेरे पास न्यूड कलर बहुत कम थे, और ऑफिस वॉफिस जाने के लिए न्यूड कलर अच्छा लगता है वेयर करने में. वाओ, वेरी नाइस, देख सकते हैं इसका कलर बहुत सही है गाइस, इसका कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. सो ये है इन द सेड सनड्यून्स 29, एंड ये मुझे 111 का पड़ा था. वेरी नाइस गाइस, ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है
ये काजल है, मेरे पास काजल था लेकिन इसका अच्छा खासा रिव्यू मैं देखी थी तो सोचे एक बार ट्राई करती हूँ कैसा है। तो ये है काजल और अच्छा है ये, एक स्ट्रिक में इतना अच्छा सा ब्लैक कलर आ रहा है, अच्छा है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है अच्छा, 88 रुपीज़ शायद मुझे पड़ा। इसको देखते हैं, ओके 81 रुपीज़ में गाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। ब्लैक कलर पूरा और थोड़ा मैट टाइप का है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गाइस ये। ओके जो नेक्स्ट रैप में आया है वो है, ओके इसमें भी एक लिपस्टिक है। पहले लिपस्टिक देखते हैं, ये भी एक न्यूड सा कलर है। इसका सेड है गाइस पेपी पोर्शन 1 एंड इसका सेड आप देख सकते हैं स्वाचेस। थोड़ा सेम दिख रहा होगा लेकिन पहला वाला थोड़ा डार्क में है एंड ये थोड़ा लाइट है। दोनों कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अच्छा लगता है ये दोनों कलर मुझे। नेक्स्ट जो है वो भी एनवाईवे का है एंड ये है प्राइमर एनवाईवे का। गाइस प्राइमर नॉर्मली थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन ये ऐसा प्राइमर मुझे मिला है सिर्फ 180 रुपीज़ में शायद ये मिला है मुझे। एनवाईवे का प्राइमर बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत अच्छे से आपके फेस में मिल जाता है एंड ये सिर्फ 188 रुपीज़ का है। इसका दो रीज़न है, एक तो थोड़ा इस एनवाईवे का प्रोडक्ट्स थोड़ा सा वैसे भी नॉर्मल बाकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से थोड़ा कम आता है एंड दूसरा है गाइस ये कस्टमाइज़ किया है एनवाईवे ने, क्योंकि नॉर्मल प्राइमर आपको 30 ग्राम से शुरू होता है एंड ये प्राइमर आपको 15 ग्राम का मिल रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस भी थोड़ा कम हो गया। तो आप अगर बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूँगी इस टाइप का प्राइमर आप एक बार ख़रीद के यूज करिए, क्योंकि बिगनर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इस टाइप का प्राइमर ख़रीद के एक बार यूज करिए, अगर आपको अच्छा लगा ये प्राइमर यूज करना देन आप अलग अलग ब्रांड का भी ट्राई करते हैं। मैं कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट पता नहीं सारा चीज़ एनवाईवे का ही मैं परचेज करी हूँ दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। जो लास्ट वाला है गाइस वो है, मैंने जिसको ओपन करते हैं, इसमें दो चीज़ है, एक है आपका ये है एनवाईवे का फाउंडेशन कंसीलर कंटूर कलर करेक्टर स्टिक, ओके 4 इन 1 है, आपको ये मिल जाता है एंड ये मुझे पड़ा है सिर्फ 104 रुपया का। आप बिलीव कर पाएंगे 104 में आपको चार चीज़ मिल गया। देखिएगा प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कंटूर के लिए यूज कर सकते हैं, कलर करेक्टर जैसा यूज कर सकते हैं एंड अगर आपका थोड़ा डार्क स्किन है तो इसको आप कंसीलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट इसको मैं स्पेशली ली थी कंटूरिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास लिक्विड कंटूरिंग नहीं था, मेरे पास पाउडर वाला है तो मैं एक बार ट्राई करना चाहती थी कैसा है। और ट्राई के लिए मैं हमेशा सस्ता प्रोडक्ट पे जाती हूँ, अगर वो अच्छा लगता है देन मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स और अच्छा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि मैं लिक्विड कंटूरिंग कभी करी नहीं हूँ तो मैं अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली ले भी आऊँगी तो पता नहीं मैं यूज़ करूँगी कि नहीं, दैट्स वाई मैं इस पे गई। इसका प्राइस भी मुझे अच्छा लगा एंड इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था popular.com पे एंड कुछ यूट्यूबर भी इसका रिव्यू किए थे, अच्छा था तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए और 104 रुपये में मिली गया मुझे तो इससे गुड डील। ये सारे प्रोडक्ट्स गाइस एनवाईवे का है एंड मैं इसका प्रोडक्ट पहले यूज़ नहीं करी हूँ, मुझे कुछ यूट्यूबर का रिव्यू में देखी एंड popular.com में कुछ रिव्यू भी पढ़ी तो सारे का रिव्यू अच्छा था। तो लेट्स सी मैं एक बार यूज करती हूँ फिर आपके साथ इसका रिव्यू जरूर सी शेयर करूँगी कैसा है। बट अगर आप बिगनर स्टेज में हैं तो एक बार ये सब प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि
शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार प्रोफेशनल हो जाएंगे मेकअप के साथ तो आप फिर अच्छे ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनवाइवे वैसे ख़राब ब्रांड है नहीं शायद, क्योंकि मैं भी पहली बार यूज करूँगी, तो देखते हैं कैसा होता है प्रोडक्ट। एंड जो लास्ट में है गाइस, ओके, इसमें मेरा सेड है आलमंड एनवाई BFCS5 है, अमन 5 कुछ आता है इसका। इसका सेड में भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी, बहुत सारा रिव्यूज के बाद इसका सेड में डिसाइड कर पाई, तो जो कि मुझे लगता है ठीक आया है फॉर द कंटूरिंग पर्पस, शायद ठीक आया है। इसके ऊपर मैं पाउडर कंटूरिंग करूँगी ब्रोंजिंग टाइप, तो ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है गाइस। यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिगनर लोग नॉर्मली ब्लेंड करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, नाइस। ओके, जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का, गुड वाइब्स का रोजिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मुझे फ्री में मिला है। यस, क्योंकि purple.com में कुछ ऑफर्स चल रहे थे जिसमें आप अगर 500 का या कुछ, यस 500 का परचेज करते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा, तो शायद मेरा सब कुछ मिला के 625 शायद 635 का अराउंड हुआ था, तो ये मुझे फ्री में मिला है। ये इसको मैं बहुत दिन पहले ट्राई करना चाहती थी, बहुत बहुत दिन पहले से ही, तो अभी मुझे मिला है। इसका बॉटल ऐसे है, इसका भी बहुत अच्छा रिव्यूज़ था, तो मुझे लगा एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी ठंड का दिन में ऑयल्स वगैरह फेस के लिए बहुत सही रहता है। तो मैं एक तो मामाअर्थ का स्किन करेक्टिंग सीरम अभी यूज कर रही हूँ, उसके साथ ये भी यूज कर सकते हैं, देखते हैं कैसा, पहला तो उसका स्मेल कैसा है। वाओ, वेरी नाइस, जैसे गुलाब का फूल है वैसे ही है, एंड सही है गाइस, बहुत सही है। पता नहीं अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, शायद मैं फेस में लगाऊंगी तो पता चलेगा। ये फेस देख सकते हैं ये कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें हमने ऑयल लगाया है। ये फेस सरम है लेकिन मैं इसको हमेशा एसेंशियल ऑयल्स ही बोलती हूँ, पता नहीं क्योंकि इसका भी बॉटल ऐसे ही आता है। तो दैट्स इट, एंड बस ये तो फ्री में मिला था मुझे। सो आज का जो अनबॉक्सिंग हॉल था वो इतना ही था, यही सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं purple.com से खरीदी थी। मुझे पता है सारे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड के हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ, जैसे कि शुरू में मैं बोली थी मैं इस ब्रांड को एक बार ट्राई करना चाहती थी, दैट्स वाई मैं परचेज करी हूँ, क्योंकि इस ब्रांड का अच्छा अच्छा रिव्यूज़ थे यूट्यूब में, तो मुझे भी लगा कि मैं एक बार इसको ट्राई करती हूँ कैसा है, एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी जल्दी। तो दैट्स इट, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन को प्रेस करना है, एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो मिलती हूँ एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड stay happy।